YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। प्रदेश के जमशेदपुर MGM अस्पताल में पिछले दिनों हुई बच्चों की मौत की घटना से आक्रोशित पलामू जिला यूथ कांग्रेस द्वारा डाल्टेगंज शहर के छमुहान चौक पर स्वास्थ्य विभाग मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम की अध्यक्षता पलामू जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष राजेश चौरसिया ने की, जहाँ यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बिट्टू पाठक समेत दर्जनों की संख्या में युवा कांग्रेसी उपस्थित रहे। महासचिव ने कहा कि लापरवाह तरीके से खराब मशीनों का बच्चों के इलाज में प्रयोग किया गया और परिजनों को सही जानकारी समय पर नहीं दी जा सकी, जिसका भारी खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ा। वहीं जिलाध्यक्ष ने राज्य सरकार से नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र की मांग करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज स्थानीय छोवान पर हम लोग आज झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं। इस पुतला दहन के कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस जिला से हम लोग बिलोंग करते हैं पलामू जिला से, और यही जिला से हमारे स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, और पूरे झारखंड में स्वास्थ्य की जो स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं है। आज का जो स्थिति है मासूम बच्चों को जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है टाटा में आपको देखने को मिला। रिम्स का स्थिति वही देखे, चार दिनों से टेलीफोनिक के माध्यम से सिविल सर्जन जिससे मैं समय ले रहा था सदर अस्पताल की गतिविधियां को बारे में जानने के लिए, चारों दिन से हमें उनसे टाइम नहीं मिला अभी तक मिलने के लिए। आए दिन उनका कहना है कि मैं रांची में हूँ और किसी मीटिंग में व्यस्त आता हूँ। सदर अस्पताल को भी लेकर हम लोग पलामू में एक युवा कांग्रेस के द्वारा आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। बताइए, आज पलामू जिला युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्थानीय छमुहान पर झारखंड में विगत कुछ महीनों से MGM अस्पताल जमशेदपुर झारखंड के रिम्स में जो बच्चों की मौत हुई है उसके विरोध में हम लोगों ने आज स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और झारखंड सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। मैं इतना बताना चाहता हूं कि खराब मशीनरी और खराब व्यवस्था के चलते उन मासूम बच्चों का इलाज कराया गया है, और साथ ही वहां के न अभिभावक को पता है और न कुछ यहां के लोगों को पता है जिसमें आज बच्चे की मौत हो गई है। इसके विरोध में आज पलामू युवा कांग्रेस कार्यक्रम कर रही है। सरकार से मांग करते हैं हम कि ऐसे मंत्री को अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूँ।